करके आप स्वयं अदृश्य क्यों हो गए? क्या व्यवस्था है आपकी? आप क्यों प्रकट नहीं होना चाहते? यदि मेरी पुकार पर भी आप प्रकट नहीं हुए तो मैं अपने क्रोध से इन पर्वतों को खंड खंड कर डालूंगा, इस आकाश को नष्ट भ्रष्ट करके समुद्र में डुबो डालूंगा। मैं अपने तांडव और प्रलय का ऐसा प्रदर्शन करूंगा कि इस पृथ्वी लोक पर उथल पुथल मच जाएगी। दैत्य गुरु कहाँ हैं आप? शुक्राचार्य शक्तिहीन मूर्ख, तू हमें भय दिखा रहा है। तू तो पाताल लोक से अपने आप पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। कैसे अज्ञानी है आप दैत्य गुरु, जो ये नहीं जानते कि मैं समुद्र से प्रकट हुआ हूँ। समुद्र से जो ये नहीं जानता वो मेरी सहायता क्या करेगा? शक्तिहीन मैं नहीं दैत्य गुरु, आप हैं आप। मूर्ख मैं नहीं, आप हैं दैत्य गुरु आप। क्या इस प्रकार आपने अपमानित करने के लिए मुझे पाताल लोक से पुकारा था दैत्य गुरु? जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें पुकारा था कमलासुर, वो तो बहुत महान था, किंतु तुम्हारी दुष्टता ने अपमान और दंड की याचना की थी। जो अपने गुरु का आदर नहीं करता वो इसी प्रकार गिरता पड़ता ठोकरे खाता है। मुझे अपनी भूल का आभास है दैत्य गुरु, बताएं मुझे पुकारने का महान उद्देश्य क्या था? धूम्राक्ष जगन और घनु के पाताल लोक पहुंच जाने के बाद दैत्यों का रहा सहा साहस भी समाप्त हो गया है। हमने ये सोच के तुम्हें पुकारा था कि तुम अपने महान पिता सिंधु के अधूरे काम को पूरा करोगे, परंतु तुमने हमारे आदेश की उपेक्षा करने की भूल की है। किस आदेश की दैत्य गुरु? आपके पुकारने के साथ ही मैं भागा चलाया। हमने तो तुम्हें आश्रम के यज्ञ कुंड से प्रकट होने की आज्ञा दी थी, ना कि समुद्र से। इसी कारण हमें ढूंढने के लिए तुम्हें लंबे समय तक भटकना पड़ा। मेरे पिता सिंधु से प्रकट हुए थे तो मैं यज्ञ कुंड की अग्नि से क्यों प्रकट होता? और वैसे भी मुझे भय था कि कहीं यज्ञ कुंड की अग्नि मुझे ही जलाकर भस्म न कर दे। जिस असुर के मन में भय समा जाता है वो हमारा शिष्य बनने के योग्य नहीं रहता। जाओ, जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट जाओ। कदापि नहीं दैत्य गुरु, कदापि नहीं। मैं इतना मूर्ख नहीं कि पाताल लोक से पृथ्वी पर आकर वापस पाताल लौट जाऊं, जिससे पाताल वासी असुर दैत्य दानव मुझे कायर भीरू कहकर दुत्कारे। अब जब तक मैं असुर जाति का ध्वज तीनों लोकों पर नहीं फहरा देता, पाताल वापस नहीं लौटूंगा। पाताल वासी असुरों के पास केवल उड़ने की शक्ति होती है। तीनों लोकों में विजय का ध्वज फहराने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या और आराधना करनी होगी और वरदान प्राप्त करना होगा। तपस्या, वरदान, ये क्या होता है दैत्य गुरु? अपनी प्रचंड तपस्या से अपने आराध्य को प्रसन्न करके तीनों लोकों के साम्राज्य के साथ इच्छित वरदान प्राप्त करो कमलासुर। मेरा आराध्य कौन है? तुम्हारे ही नहीं, पाताल में जन्म लेने वाले हर दैत्य दानव और असुर के आराध्य विश्वेश्वर भगवान शिव शंकर हैं। आओ मेरे साथ बैठकर शिव आराधना प्रारंभ करो।